We want justice. अगर वो पताल में भी छुपे हुए हैं, तो कलर पकड़ के उठा के लाना है, कानून के हवाले करना है। इस तरीके से इसको मर्डर किया गया। कि ये केवल एक मर्डर नहीं है, ये एक मैसेज भी है। हमारी बेटी की जो मौत हुई है, उसको ऐसा कुछ जानकारी मिल गई, तो ये सब घिनौने काम जिन लोगों ने मिलके कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये बेटी खतरा बन गई। और उसकी जो आवाज है, और वो आवाज को एकदम पूरे तरह उसको दबाने के लिए ये मर्डर किया गया। कि भाई ये प्रयास अगर कोई करेगा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बैठ के, उसका हालत ये जैसा होगा। इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या थी? वो बॉडी थी और कुछ नहीं है। एविडेंस नहीं है हमारे पास। वही पुलिस जिसके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई हजार के ऊपर जो है उपद्रवी वहां पे आने वाले हैं, वो वही पुलिस है जिसके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट आ गया कि वो मैच में कुछ गड़बड़ होने वाला है। भाई कलकत्ता पुलिस, आपकी प्रायोरिटी क्या है? हम पुलिस पे सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, वो गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। क्योंकि ये संदीप घोष जो है, ये एक अपराधी है। ये आज नहीं, पिछले कुछ सालों से वहां का रैकेट चला रहे थे। नहीं देखो, ममता बनर्जी ने, हम सब लोगों ने देखा कि आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। टाइमिंग देखो, एक निर्भया होता है, दूसरा निर्भया होता है, तो निर्भया वन, निर्भया टू, निर्भया थ्री। भाई ये कब तक गिनेंगे हम? कि इंटेंशन फिर क्या है? साजा दिलवाना इंटेंशन है या फिर कुछ छुपाना इंटेंशन है? जो वहां के पूर्व प्रधानाचार्य थे संदीप घोष, वारदात के दूसरे दिन ही उनको दूसरे जगह नियुक्ति मिली। इसको तो रिवार्ड मिल गया, इसको तो पुरस्कार मिल गया, इसको तो गोल्ड मेडल दे दिया। राजधर्म का पालन करिए, आप तो भरोसा गिरा दिया। बंगाल में मैंने 25 साल पत्रकारिता किया, उस दिन बंगाल में जो मैंने देखा, वो ये 25 साल का जो अनुभव है मेरा, मैंने कभी नहीं देखा। कि मानना ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि ये काम एक ही ने किया होगा। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, अस्पतालों में काम करना बंद कर दिया है, मरीज परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन भी कर दिया, लेकिन क्या ये मामला सुलझ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है अभी के समय में कि ये मामले का निपटारा कैसे होगा, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी, क्या बार बार महिलाओं को अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए सड़कों पर मोमबत्ती लेके ही चलना पड़ेगा, क्या ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रह गई है? यही सवालों को समझने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ध्रुव ज्योति प्रमाणिक सर हैं। आइए इनसे समझते हैं क्या ये पूरा मामला है, ये जो रेप की घटना है, इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। सर, सबसे पहले ये जो आजीकर मेडिकल कॉलेज का जो मामला सामने आया, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये जो इस पे लगातार आरोप हॉस्पिटल पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये गलत कामों में लगा हुआ था, इस हॉस्पिटल में बॉडी की स्मगलिंग भी होती थी, ड्रग्स से लेके हर काम गलत काम हुए हैं और सेक्स रैकेट भी चला है, और उसी हॉस्पिटल में ये रेप की वारदात आ गई और बहुत ब्रूटल तरीके से, उसमें पुलिस की लापरवाही भी हमें दिख रही है, सरकार की भी लापरवाही दिख रही है, और इस पे सवाल हर कोई उठा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल उठा दिया। देखो उत्कर्ष, जो है मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मामला इतना बिगड़ क्यों गया। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कि लापरवाही किस हद तक लापरवाही की शिकायत है। पहली बात देखो कि ये जो विक्टिम है बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मध्यम वर्ग के परिवार से थी,
अब जब इसकी बॉडी मिलता है, उस दशा में मिलता है, भयानक उस दशा पे जो उसकी बॉडी मिलती है, परिवार की शिकायत ये है कि एक फोन आती है और फोन पे ये बताया जाता है कि आप लोग अस्पताल आइए क्योंकि आपकी बेटी खुदकुशी किए है, आत्महत्या किए है। अब देखो, अब तक ये कब का है, ये 9 तारीख ये हादसा हुई है, 9 तारीख की रात को, लेकिन अब तक ना तो कलकत्ता पुलिस, ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट, अस्पताल से कोई अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि भाई वो कौन थे, जो परिवार को ये बता रहे हैं कि भाई आपकी बेटी आत्महत्या कर ली, जिसने परिवार को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी बेटी ने आत्महत्या, कौन थे वो, वो व्यक्ति कौन था जिसने फोन किया, किसी ने तो किया होगा। तो मतलब देखो, शुरू से ही ये जो जघन्य अपराध हुआ है उधर, इसको लेकर के आम आदमी के दिमाग में, दिल में एक के बाद एक सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों मामला इतना बड़ा बन गया, क्यों लोग आज सड़कों पे हैं, ये समझना जरूरी है। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश के प्रधान विचारपति चीफ जस्टिस खुद जो ये सवाल उठाए हैं कि भाई ये घटना किधर घटी है, एक सरकारी अस्पताल में, ये बॉडी को किन लोगों ने पहले बार देखा, कुछ डॉक्टर्स ने देखा, कैसे वो बॉडी वहां पे पड़े हुए थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ा, सूरत हाल जो मैजिस्ट्रेट के आंखों के सामने जो मैजिस्ट्रेट ने नोट किया उसमें, यस, उसमें 15 इंजुरी मार्क है, पूरे शरीर में इंजुरी मार्क है, 15 इंजुरी मार्क है। उससे एकदम सही ये पता चलता है कि भाई इसके साथ बलात्कार हुआ है, इसके साथ जबरदस्ती हुआ है और इसको मर्डर किया गया है, मारा गया, और सारे डॉक्टर लोग देख रहे, ना तो प्रिंसिपल, ना तो वो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आरजी कर, उसका सुपर, डेप्यूटी सुपर, मतलब जो लोग पेरेंट्स है वो अस्पताल का, जो वो अस्पताल का अभिभावक है, उसकी बेटी की मौत हुई है, तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं लिखती है, कोई कंप्लेन नहीं है। आपके आंखों के सामने एक शब जो पड़े हुए हैं, जिसके शरीर में 15 जो है इंजुरी मार्क है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बेटी जिस जो मैट्रेस के ऊपर इसकी बॉडी मिली, वो मैट्रेस खून से एकदम जो है सना हुआ था, एकदम सना हुआ था। तो इसमें समझ में आ रहा है ना कि भाई ये इट्स अ सिंपल केस ऑफ मर्डर, यूडी केस होते हैं, फिर लापरवाही की शिकायत। मैं तीसरी बात बता रहा हूं, पेरेंट्स लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं, उन लोगों को 3 घंटे तक, मैं समझ लो कि मैं उसका बाप हूं, मेरी बेटी की मौत हो गई है, मुझे पता है, मैं अस्पताल पहुंचा और 3 घंटे तक वो पिता को, माता को, अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया। क्यों, क्यों नहीं देखने दिया? इसीलिए ना लोग आज सड़क पर उतरे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्या छुपाने का कोशिश कर रहे थे, क्यों माता पिता जब पहुंचते हैं अस्पताल, क्यों आप तुरंत क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? उसको तो पता चल ही गया है कि बेटी और नहीं है, बेटी की मौत हो गई है, देखने क्यों नहीं दिया? सवाल उठता है, लोग सवाल पूछ रहे। चौथी बात, वो जो पोस्टमार्टम हुआ, कहां हुआ है? जिस अस्पताल के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं, 10 चीजें पूछ रहे, कलकत्ता में और अस्पताल नहीं थे? कलकत्ता में ऐसे मेडिकल कॉलेज और भी बहुत हैं। कलकत्ता के पुलिस पोस्टमार्टम, पुलिस मॉर्ग है, पोस्टमार्टम बहुत सारे जगह पे होते हैं। जिस अस्पताल में ये भयानक
जघन्य अपराध हुआ है उसी अस्पताल में, तब तक ये जो प्रिंसिपल जिसके खिलाफ सारे सवाल उठ रहे हैं अभी, जिसका जिक्र किया था, संदीप घोष जिसका जिक्र कर रहे थे आप, उसी के नेतृत्व पे जो कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज है, आप लोग उधारी पोस्टमार्टम करवा दिया, क्यों लोग वही पूछ रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई एक के बाद एक आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो अस्पताल अथॉरिटी, ना तो पुलिस, ताकि अदालत जो बोलते हैं ना कि भाई राजधर्म का पालन करिए, ऐसा कुछ करिए कि लोगों के भीतर जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखो। आप सरकार के प्रति भरोसा आप तो भरोसा गिरा दिया एक के बाद एक लापरवाही, फिर वो पोस्टमार्टम उधर होता है। फिर देखो तब तक जो है सारे कलकत्ता में लोग गुस्से पे सड़क पर उतर गए थे, परिवार के लोग 10 सवाल उठा रहे हैं। अगर सरकार पुलिस अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने का कोशिश किए होते तो हम क्या देखते हैं, ऐसे बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि मामला तब तक उस जगह पर पहुंच गया कि अदालत में पहुंचने वाली थी, 10 PIL होने वाली थी, वही हुआ। नेक्स्ट डे सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 10 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मेरा संख्या अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक से अधिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई तब तक। तो ये बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए था, क्यों ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसको अगर कंक्लूशन तक मैं लेके जाना चाहता हूं, इसके पीछे एक आदमी है, दो आदमी है, एकाधिक आदमी है, इसको मैं जांच के दौरान इसको मैं सामने लाना चाहता हूं, तो मुझे एविडेंस चाहिए। और इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या थी, वो बॉडी थी। तो ये बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए था। सर बॉडी भी, जो बॉडी के आसपास का लोकेशन था वो भी शायद उससे भी छेड़छाड़ की गई। वही वही वो शिकायत है, सारे शिकायत है, अभी CBI जांच चल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ये जांच अभी कर रही है, और हाईकोर्ट के नजर में ये जांच चल रही है, मतलब ये कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, और कोर्ट में एकदम जो है पीरियोडिकल रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा CBI को। तो फिर आप जो है तुरंत उसको क्रिमेशन खत्म कर देते हो, तो मतलब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो अभी कोई जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने नहीं है। अभी मामला जो है कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंस, कुछ फॉरेंसिक एविडेंस, DNA टेस्ट रिपोर्ट, इसके आधार पर ये इसका जो है ट्रायल होगा। सर तो ये वही रिपोर्ट हुए जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो पोस्टमार्टम और उन समय हुए थे, CBI के पास भी वही रिपोर्ट होंगे तब बॉडी के, एकदम, और कुछ नहीं है, एविडेंस नहीं है हमारे पास, एविडेंस मतलब अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। अभी जो है इसके बाद क्या शिकायत है, लोग क्यों गुस्से में आ गया, आप सब जानते हैं कि कलकत्ता के हमारे एक जो बेटी है उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट करती है और बोलते हैं कि आइए रास्ते पे उतारिए, ये समय बड़ा भयानक है, हमें खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। भाई आम आदमी को प्रोटेक्ट करने का दायित्व तो किसके ऊपर है, रिक्लेम द नाइट वाला जो किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है, सरकार के ऊपर। हम सरकार को क्यों चुनते हैं कि सरकार संविधान के तहत हमें प्रोटेक्शन देंगे, और मेरा जो संविधान का जो दिया हुआ अधिकार है, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो एंश्योर करने का दायित्व किसका है, सरकार का। तो जब सरकार फेल करती है, शिकायत ये है, तब वो लड़की ये क्लैरियन कॉल देती है, फेसबुक में पोस्ट कर देती है कि आइए कि द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ जब
फ्रीडम एट मिडनाइट जैसे हम मनाते हैं, वैसे हम रिक्लेम द नाइट मनाएंगे। ये रात हमारी है। उत्कर्ष, तुमको याद होगा कि तुमने मुझे ये एक सवाल पूछा था कि मैंने ऐसा लिखा था मेरा सोशल मीडिया हैंडल में कि बंगाल में मैंने 25 साल पत्रकारिता किया, मैंने बंगाल में बहुत सारे सोशल मूवमेंट देखा पत्रकार होने के नाते। उस दिन बंगाल में जो मैंने देखा वो ये 25 साल का जो अनुभव है मेरा, मैंने कभी नहीं देखा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बंगाल में ऐसे सोशल मीडिया, ऐसे सोशल मूवमेंट मैंने बहुत देखा, लेकिन वो ना कलकत्ता तक सीमित होते थे और वो टिपिकल जो एक है ना, वो एक एलिट अर्बन टाइप का मूवमेंट हुआ करते थे। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि कलकत्ता छोड़ो, कलकत्ता पार करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, हर एक टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री सिटी में हुआ, हर एक छोटे छोटे शहर में हुआ, गांव देहात में हुआ, हर एक घर तक में, हर कोई, लोगों की गुस्सा किस हद तक पहुंचने से लोग ऐसे एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख करके लोग ऐसे रास्ते पे उतर आते हैं। लेकिन फिर लापरवाही देखो, उसी रात क्या हुआ, हम सब देखा, पूरे देश देखे हैं, पूरे दुनिया देखे हैं, क्योंकि सारे दुनिया से सवाल उठ रहे हैं, पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं, भाई बंगाल में क्या हो रहा है, कलकत्ता में ये क्या हो रहा है। उस रात तो सब कुछ जगा हुआ था, सब लोग उसी को वेट ही कर रहे थे। जिस अस्पताल में ये जघन्य अपराध होता है, जब इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जाता है, लीगल जो एसओपी है ये कहा जाता है कि भाई इट इज द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द पीओ, मतलब क्या है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, क्योंकि एविडेंस वहीं पे छुपे हुए है, एक बार नजर पे नहीं आया, दूसरे बार जाओ, तीसरे बार जाओ, क्योंकि अपराधी क्या करते हैं, ये जो है एक टिपिकल क्रिमिनल साइकोलॉजी होता है कि अपराधी उसका कुछ ना कुछ निशान तो छोड़ के आते हैं। तो वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हजार के ऊपर हुलीगन वो अस्पताल में हमला करते हैं रात के अंधेरे में, तोड़ फोड़ करते हैं, और वही प्लेस ऑफ ऑकरेंस सेमिनार हॉल, चेस्ट मेडिसिन का जो सेमिनार हॉल जहां से ये हमारी बेटी को लाश बरामद होती है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, फिर रुकते हैं, पुलिस कहीं पे नहीं थे। ये शिकायत है कि भाई हमला जब हो रहा है तब पुलिस पहले भाग गया, उसके बाद फिर बड़ा पुलिस फोर्स वहां पे पहुंचती है और पूरे जो है एरिया को प्रोटेक्ट और वो सब, ये सब काम किया। तो ये सवाल कलकत्ता हाईकोर्ट उठाते हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाते हैं, और हमने क्या सुना, हमने ये सुना कि पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं कि हमारे पास इंटेल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन नहीं था। वही पुलिस जिसके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई हजार के ऊपर जो है उपद्रवी, उपद्रवी वहां पे आने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, वो वही पुलिस है जिसके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट आ गया कि भाई डर्बी मैच जब संडे कलकत्ता में होने वाला था, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों टीम के भीतर, जिसको लेकर के जो है बंगाल में बहुत सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, कलकत्ता में लोग जो है करीब 1 लाख के आसपास लोग वो मैच देखने स्टेडियम पहुंचते हैं जब भी हम डर्बी देखते हैं, ये हमारा अनुभव है। लेकिन पुलिस ने क्या बोल दिया कि इंटेल इनपुट है कि वो मैच में कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ लोग जो है वो माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, वहां पे प्रदर्शन करेगा। तो मैच को पुलिस बोलते हैं, विधाननगर पुलिस बोलते हैं कि भाई ये मैच में जो सिक्योरिटी देना चाहिए ये हमारे पास नहीं है, तो ये मैच बंद कर, बंद कर, तो मैच बंद हो जाता है। फिर लोग फिर सवाल उठाते हैं कि अस्पताल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पीओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, लेकिन ये मैच में कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन है।
सर उसके बाद तो मतलब क्या है, सिलेक्टिव इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास है, कुछ नहीं है और कुछ है, तो ये भी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल अदालत भी उठा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहे कि कलकत्ता पुलिस क्या कर रही थी, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये क्या चल रहा है? ये मैं नहीं, आप नहीं, बंगाल के आम आदमी नहीं है, पूरे देश के आदमी नहीं है, खुद हमारे देश के चीफ जस्टिस उठा रही है सवाल, और इसका जवाब वही है जो पुलिस कमिश्नर साहब ने दिया। सर पुलिस कमिश्नर ने उस दिन जब रात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने मीडिया पे भी सवाल उठा दिया कि ये जो सारा प्रोपोगंडा और ये जो सारे वॉयलेंस हुए हैं सिर्फ मीडिया के फेक न्यूज़ के कारण हुए हैं, मीडिया इसे गलत तरीके से दिखा रही है हम पे, और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि सरकार पे और पुलिस पे भरोसा करें। लेकिन पुलिस और सरकार पे तो देखिए ये क्लियर चीज़ है कि वहाँ की जनता को और देश की भी जनता को भरोसा नहीं है। जो भी चीज़ें जैसे ईडी की जांच होती है तो ईडी पे हमला हो जाता है, सीबीआई आज तक वहाँ घुस नहीं पाती थी, अब पुलिस सीधे मीडिया पर सवाल उठा रही, मतलब हम लोग पे सवाल उठाए कि हमारी गलती है कि हमने दंगे भड़काए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये देखिए ये नहीं होने से अच्छा होता। सवाल फिर उठाते हैं लोग कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, भाई कलकत्ता पुलिस आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी तो ये जांच करना है, आपकी प्रायोरिटी जो ये जघन्य अपराध किया है उसका जो अपराधी है उसको ढूंढ के निकालना है, एक है इसके पीछे, दो है, तीन है, दस है, कितने लोग है उसको जो है, अगर वो पताल में भी छुपे हुए है तो कलर पकड़ के उठा के लाना है, कानून के हवाले करना है, तो पुलिस की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? यही चीज को जो है ना, आरोपी कौन है भाई, ढूंढो अपराधी को, निकालो पाताल से, निकालो सड़क से निकालो, और उसको जो है अगर संभव है तो फांसी के फंदे में लटका दो, यही तो होना चाहिए था ना कानून के हिसाब से। अगर अदालत ये तय करते हैं कि भाई ये हीनियस क्राइम केवल नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, तो फांसी होगा, यही कानून बताते हैं। तो पुलिस वो प्रायोरिटी छोड़ करके क्या पुलिस की ये प्रायोरिटी बन गई अननेसेसरी चीजों पे? को 300 लोगों को बुलाओ, आपने ये भी देखे होंगे कि कलकत्ता के तीन बहुत ही जो है नामी प्रभावी और लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे तीन डॉक्टर को ऐसे कोलकाता पुलिस सामन करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हैं, और हमने बोले क्या देखा कि दो डॉक्टर को बुलाए और 1000 डॉक्टर रास्ते पे उतर गए एस्कॉर्ट करके कलकत्ता के और एक सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से एस्कॉर्ट करके, जो कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर है लाल बाजार, वो लेके जाते हैं। फिर गुस्सा कि आप डॉक्टर को बुला रहे हो, समन कर रहे हो, अगर चलो मान लिया कि डॉक्टर साहब ने कोई छोटी मोटी गलती कर दिया तो एक बार फोन करके बताइए डॉक्टर साहब आपसे गलती हो गई है, वो हटा दीजिए या फिर वो करेक्ट कर दीजिए, आप समन कर रहे हो तो वो समन कर रहे हो तो पूछताछ करोगे तो आपका तो कोई समय जो है टाइम कंज्यूमिंग एक कुछ कुछ तो कर रहे हो ना, वही जो टाइम आप इसमें बिता रहे हो या फिर बर्बाद कर रहे हो तो आप ये केस के पीछे लगाइए। तो फिर पुलिस की प्रायोरिटी क्या है, ये भी सवाल उठ गया लोगों की गुस्सा, और आप जो आपकी प्रायोरिटी जो है वो नहीं करते हुए आप जो कर रहे हो, लोग सोच रहे कि भाई आप करना क्या चाहते हो, क्या आपका इंटेंशन क्या है, दोषी को सजा दिलाना यहां फिर यहां से नजर घुमा देना, यही हो रहा है। सर हम पुलिस पे सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, वो गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सारा चीज जितना भी काम जितने भी पावर है सब कुछ ममता बनर्जी के अंडर आती है, यहाँ तो सब कुछ ममता बनर्जी है एक पूरा पावर। मैं निर्भया की माँ से बात कर रहा था, उन्होंने क्लियर कोट किया कि ममता बनर्जी एक दबंग महिला है, दबंग मुख्यमंत्री, दबंग महिला। जब सारी पावर, इतनी ज्यादा पावर है आपके पास, सारा रूल रेगुलेशन है, तब तो इन पे भी सवाल उठते हैं ना। लेकिन सवाल किस बात पर, अगर मैं
यह चीज का जिक्र करता हूं उत्कर्ष कि भयानक जो है आरोप है किसके ऊपर भयानक आरोप है, ये जो भूतपूर्व जो प्रिंसिपल हुआ करते थे संदीप घोष इसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लग जाते हैं और वो कौन लगाते हैं, वो लगाते हैं अख्तर अली। कौन है अख्तर अली? अख्तर अली हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा अफसर है और ये वो अख्तर अली है जो वही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक समय डेप्यूटी सुपर का दायित्व तो निभाया, सुपरिटेंडेंट करना डेप्यूटी। यस, अभी वो हमारे बंगाल में और एक जो मेडिकल कॉलेज है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां पे वो डेप्यूटी सुपर का दायित्व तो निभा रहे हैं। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचते हैं, ये अख्तर अली बहुत भयानक जो है शिकायत लेकर के कि और बोलते हैं कि हुजूर आप इस पर दखल दीजिए क्योंकि ये संदीप घोष जो है ये एक अपराधी है, ये आज नहीं पिछले कुछ सालों से वहां पर रैकेट चला रहे थे। किस किस चीज की लेकर के? पहला आरोप इल्लीगल मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, खतरनाक जो है इल्जाम लगाया। इसके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि जो लावारिस जो डेड बॉडीज होते हैं वो लावारिस डेड बॉडीज का जो कानून के तहत क्या किया जाता है कि एक समय तक अपेक्षा के बाद अगर कोई दावेदार नहीं है उसके तो वो एकदम कानून के तहत उसका जो है क्रिमेशन होता है। इसके ऊपर क्या भयानक आरोप है? वही लाशों को लेकर के, वो लाशों क्या बेवसा करते थे, बाहर बेचते थे, बांग्लादेश में उसको बेचते थे, खतरनाक। दूसरी बात, स्कैम इन बायोवेस्ट मैनेजमेंट एंड सिंडिकेट ऑफ सेलिंग बायोवेस्ट टू कल्प्रिट्स। हम सबको पता है कि एक इतना बड़ा अस्पताल में हर रोज कितना किलोग्राम कितना केजी बायोवेस्ट प्रोड्यूस होता है, सिरिंज बोलो, ग्लव्स बोलो, ऑपरेशन के बाद जितने सारे जो चीजें फेंके जाते हैं सारे चीजों को हम बायो वेस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर इतना गंभीर आरोप इन्होंने लगाया कि ये जो है बायो वेस्ट बाहर बेचते थे। तीसरी बात, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड एंड परचेजिंग इक्विपमेंट्स एट हायर रेट। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरीज एट हाई प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कैटेगरी आइटम फ्रॉम ओपन मार्केट एट अ हाई रेट, रेंटिंग हॉस्पिटल स्पेस फॉर फूड स्टॉल विदाउट अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, इरेगुलरिटीज इन एक्सपेंडिचर फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिलिंग, मिसयूज ऑफ एकेडमिक फंड्स। इतना ही नहीं भाई, चौंकाने वाली बात मैं बताने वाला हूं, इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स एंड पार्किंग नेक्सस, मतलब ये क्या नहीं किया। और ये सब जो है देखो ये इसका एफिडेविट है कलकत्ता हाईकोर्ट में इन्होंने जो जमा किया अख्तर अली, वो एफिडेविट से पढ़ के मैं सुना रहा हूं। ये कब की कहानी है? 2022 की कहानी है। 2022 ने ये सारे चीजें जो लिख करके लिखित इसके खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसके खिलाफ लिखित जो है शिकायत होती है, लेकिन इन्होंने ये सवाल उठाया कलकत्ता हाईकोर्ट के, मैं नहीं उठा रहा हूं, ये अख्तर अली ने ये सवाल उठा रहे हैं कि इसको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, इसके ऊपर किसी प्रभावशाली का हाथ तो है जरूर, आशीर्वाद है जरूर, नहीं तो फिर इसको कभी भी ट्रांसफर किया जाता है कलकत्ता आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज, तुरंत वो ऑर्डर विथड्रॉ हो जाता है और वो तुरंत वापस आ जाते हैं। क्यों, इसके पीछे कौन है? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचते हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट में एफिडेविट लगाते हैं, रिट पिटीशन करते हैं कि हुजूर आप इस पर दखल दीजिए। ये जांच भी जो जांच के लिए कलकत्ता बंगाल सरकार एक सीट बनाती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कब बनाती है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुनवाई करेंगे,
24 आवर्स पहले, एक दिन पहले सीट बना देते हैं। फिर सवाल, जनता ने फिर सवाल उठाया कि भाई दो साल से अंदर की लोग, अंदर के लोग जो सवाल उठा रहे, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए हो, सुप्रीम कोर्ट में सुना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होने वाला है उसके केवल 24 आवर्स पहले आपने सीट का क्यों सॉरी गठन कर दिया। फिर सवाल उठाते हैं लोग कि भाई सॉरी इंटेंशन क्या है, फिर आरोपी को पकड़ना है और कुछ छुपाना है, तो यही हो रहे हैं लोग, इसीलिए भड़क जा रहे हैं लोग, इसीलिए गुस्से में आ गए हैं लोग, इसीलिए सड़क पर उतर गए हैं। सर तो लोगों का सड़क पर उतरना तो चलिए सही है, लोग सड़क पर उतरे, ममता बनर्जी क्यों उतर गए? नहीं देखो, ममता बनर्जी ने, हम सब लोगों ने देखा कि आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए ममता बनर्जी ने ये मांग किए कि बंगाल में नहीं केवल पूरे देश में ऐसे जघन्य अपराध हो रहे, हर रोज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री से मैं ये आग्रह करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, और ताकि ये सब जघन्य अपराध जो अपराधी कर रहे हैं उसको इतना जबरदस्त सजा मिले ताकि दूसरा कोई ये चीज करने से पहले 10 बार सोचे। सवाल लेकिन ये है भाई, हम लोगों ने हमारे ये देश में निर्भया होते हुए देखा, उसके बाद कल आपने मुझे पढ़ के सुना रहे थे, कल ही शाम की बात अगर मैं करता हूं कि एक निर्भया होता है, दूसरा निर्भया होता है, तो निर्भया वन, निर्भया टू, निर्भया थ्री, भाई ये कब तक गिनेंगे हम, ये कब तक गिनेंगे हम। मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी जो हमारे पूरे देश में अभी एकलौता महिला मुख्यमंत्री है, महिला चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर को सही काम किया है, क्योंकि ये केवल बंगाल का समस्या है ये बात नहीं है, ये पूरे देश में ये हो रहा है, ये तो नासूर है, लेकिन देश का वो खत्म नहीं। लेकिन टाइमिंग देखो, फिर लोग सवाल उठा रहे कि चीफ मिनिस्टर आपने सही कदम उठाया, लेकिन आप क्यों, आप क्यों? बंगाल में बलात्कार मर्डर की घटना ये पहली बार हो रहा है क्या? आप सत्ता पे आए हैं 2011 में, ये 2024, आप 13 साल सत्ता पे आप ही है, और लोग आपको प्यार से, दिल से बार बार चुन के ला रहे हैं, लेकिन आप अभी क्यों सोच रहे हैं कि इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ इतना ही कड़ा साजा होना चाहिए कि लोग ये सब चीज करने से पहले 10 बार सोचेंगे? आपको पहले करना चाहिए था, अभी आप ये क्यों कर रहे हैं? तो फिर इंटेंशन को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। सर मैं टाइमिंग पे ही तो बोल रहा हूं ना, ये टाइमिंग वही वाली, जैसे आपने अभी टाइमिंग बताया कि इन्होंने पत्र लिख दिया, सेम टाइमिंग का ही तो मैटर हो रहा है कि अभी तक आप कुछ नहीं बोल रही थी, जब जनता पूरी प्रोटेस्ट पे आ गई, जनता रोड पे चलना शुरू कर दी आपके विरोध में, आपने भी एक विरोध शुरू कर दिया, जब और ये विरोध तब हुआ, एक हफ्ते तक आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार ने कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकाला, जब ये केस चल गया सीबीआई के हाथों, तब आपने सीबीआई पर पूरा दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में एक रैली निकालती हैं, वो रैली में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सारे तमाम नेताओं, उन लोगों ने ये आवाज उठाया कि भाई आरोपी जो है ये मतलब क्या है, अभी कलकत्ता में जाओ, बंगाल में जाओ, हर एक दिन एक एक रैली निकलती है, तो सबका क्या मांग है? वी वांट जस्टिस। हम ये घटना को जो अभया बोल रहे हैं, अभया की जो ये जघन्य अपराध अभया के साथ हुआ, इसका जस्टिस चाहिए, विचार चाहिए। तो ममता दीदी भी क्या है, और सारे तमाम तृणमूल कांग्रेस
रास्ते पे आते हैं और बोलते हैं कि वी वांट जस्टिस, तो जस्टिस दिलाने वाला कौन है? जस्टिस कौन दिलाते हैं? अगर हमारे देश का संविधान देखोगे तो हम इसको बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान में ये चीज स्पष्ट रूप में लिखित है कि भाई किसका क्या काम है। विचार दिलाने का काम किसका है? जुडिशियरी का है। लेकिन जो दोषी है, आरोपी है, उसको जो है पकड़ के कानून के हवाले करने का काम किसका है? सरकार का, एग्जीक्यूटिव का है, वही संविधान में है। तो आप बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, आप बोल रहे हैं कि अभया का जस्टिस चाहिए, आप दिलवाइए। आपको किसी ने रोका? आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप सरकार का प्रधान हैं, आप ही के नेतृत्व में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है पिछले 13 साल, तो आपको तो किसी ने रोका नहीं। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आपको किसने रोका, आप दिलवाइए ना। हम भी तो वही मांग कर रहे हैं। हम तो रास्ते पे उतार के ये नहीं बोल रहे कि हम तृणमूल कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं, हम तो रास्ते में उतार के ये नहीं बोल रहे कि हम ममता बनर्जी का विरोध कर रहा हूं, हम तो रास्ते पे उतार के ये बोल रहा हूं कि हमें जस्टिस दिलवाइए। हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, वो आरोपी को या फिर और आरोपी है तो सबको निकालिए और कान पकड़ के, कलर पकड़ के उसको कानून के हवाले करिए और इन्वेस्टिगेशन इतना ही पुख्ता करिए ताकि वो लोग छूट नहीं जाए। क्योंकि हम भी देखो, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो है उदाहरण देखे हैं कि कोर्ट ने क्या बोलते हैं कि भाई ये प्रोसिक्यूशन जो है, मतलब प्रोसिक्यूशन कौन है? अभी तो केस सीबीआई के हवाले पे है, लेकिन प्रोसिक्यूशन कौन है? सरकार है ना। सरकार। तो प्रोसिक्यूशन हमारे पास इतना साबूत लेके नहीं आ पाया ताकि मैं उसको गुनहगार मानू, उसको सजा दिलाऊं। तो आपको क्या करना है? अभी आपको ये इन्वेस्टिगेशन इतना पुख्ता होना चाहिए आपकी पुलिस की, और प्रोसिक्यूशन और जो ट्रायल के समय भूमिका ये होना चाहिए कि एक, दो, तीन, चार, पांच, वो तो सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें आएगा सामने, क्या ये एक का कांड है या ज्यादा है, इसमें अनेक का कांड है। ये तो पूरी जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें सामने आएगा, अभी तो ये बताना मुश्किल है। लेकिन जो भी है, तो जस्टिस दिलवाने का काम जुडिशियरी का है, एग्जीक्यूटिव का भी है, मतलब अदालत का भी है, सरकार का भी है। तो आप दिल्ली दीजिए ना, आप क्यों रास्ते पे उतार रहे हैं और बोल रहे वी वांट जस्टिस? जस्टिस तो आप देंगे, हम आपसे जस्टिस मांग रहे। ये बंगाल के लोगों की जो है मन की बात है। अच्छा सर, ये मैं एक पोस्ट देख रहा था और हम लोग, मैंने इसको वेरीफाई भी किया है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी ये लिस्ट है, उसमें लगातार, अभी ये हो सकते हैं मेरे पास कमी हो लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 2001 का मामला, 3 का मामला, 16 का मामला, 20 का मामला, फिर अभी 2024 आया ही है, लगातार किसी वो पॉन, कहीं पॉन का वो चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, कहीं किसी ने सुसाइड कर लिया हॉस्टल के अंदर। देखो उत्कर्ष, किसी का देखो उत्कर्ष, अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ें इधर उधर जो है वायरल हो रहे हैं, सभी चीज़ों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन बात सही है कि मेरा जो मैं जो थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ, रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, मैंने इसको वेरीफाई भी किया खुद। इसमें देखो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में छत से गिर के एक पेशेंट की मौत होती है, फिर जो है और एक जूनियर डॉक्टर की मौत होती है, ये सब चीज आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो हॉस्टल है वहां पे बहुत खतरनाक रैगिंग वो भी सामने आया, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है एक ही जगह पे हो रहा है,
वो जगह का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ आरोप आज से नहीं है, पिछले 2 साल से चलता आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये अब मैं बता सकता हूँ आपको। सर दूसरा एक चीज़ है, ये जो घटना स्थल था जहाँ पे ये केस पूरे, जहाँ पे डेड बॉडी मिली लड़की की, ये आरोप भी लगे कि वहाँ पे नवीकरण का काम शुरू कर दिया। एकदम बिल्कुल एकदम, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने सामने रखा कि इसीलिए भी लोग सवाल उठा रहे कि भाई वो जो जगह, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में प्लेस ऑफ ऑकरेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स एजेंसी बार बार उस जगह पे जाते हैं, कुछ तो छूट नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये देखा कि एक सेफ्टी पिन से, एक बाल से बहुत ही मतलब जो है खतरनाक अपराध का खुलासा पुलिस ने किया। तो अगर प्लेस ऑफ ऑकरेंस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसी पीओ से सटा हुआ एक रूम को तरुणे का काम शुरू कर दिया। जब पूछते हैं लोग, जब वो वहाँ पे प्रदर्शन करने वाले जूनियर डॉक्टर्स जाकर के रुकते हैं काम कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोला ऊपर से आदेश है क्योंकि इसको रेनोवेट करना है। तब उन लोगों ने सवाल उठाया और जूनियर डॉक्टर ने ये सब काम में रुक दिया। उसकी दूरी भी शायद 35 मीटर थी लगभग। वही तो बात है ना कि इसीलिए बार बार जो है ना इंटेंशन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं लोग। आज अगर तुम सारे बंगाल के जो सोशल मीडिया, बंगाल से जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हो रहा है, पूरे देश से ये घटना के आधार पर जो पोस्ट्स हो रहा है, उसमें से देखोगे कि लोग यही चीज को लेकर के सवाल उठा रहे कि इंटेंशन फिर क्या है, साजा दिलवाना इंटेंशन है या फिर कुछ छुपाना इंटेंशन है। और ये चीज को लेकर के फिर केवल बंगाल के लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है, ये बात नहीं है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये सवाल उठाया कि ये क्या टेम्पटेशन था, ये क्या बहुत जब जो है जल्दबाजी में ये करने का कारण क्या है, ये सवाल उठता है। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि जो वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य थे संदीप घोष, वारदात के दूसरे दिन ही उनको दूसरे जगह नियुक्ति मिली, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उनको सीधे दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो वहीं पर रहते, चीज़ों को जाँच करते चीज़ों की और सहायता करते पुलिस की। फिर एक और चीज़ सामने आई कि संदीप घोष को CBI ने बुलाया पूछताछ के लिए, वो वहाँ नहीं पहुँचे, CBI को बीच चौराहे से उनको उठाना पड़ गया। देखो फिर वही जो है, मैं शुरू से बार बार जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इंटेंशन को लेकर के सवाल है। सर मुझे समझना है कि संदीप संदीप घोष जिसकी बात कर रहे हो, ये त्याग पत्र देते हैं, क्यों देते हैं, जब ये आपके, हम बोलते हैं ना कि अंडर योर नोज ये कैसे हो गया, आप अध्यक्ष हैं, आपके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इतना जघन्य अपराध हुआ, अब पहला दिन क्यों नहीं दिया त्याग पत्र, जब बवाल मच गया, जब जूनियर डॉक्टर्स रास्ते पे उतर गए, जब इमरजेंसी का काम बंद हो गया, तब आप क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। और तुरंत क्या हुआ, 4 घंटे में, स्पीड देखो, 4 घंटे में उसको फिर दूसरा कलकत्ता में और एक बहुत पुराना जो है हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें उसको फिर रीअपॉइंट किया जाता है। फिर लोग सवाल उठाने लगे कि भाई इसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं सारे तमाम दुनिया, और इतने सारे प्रूफ भी, इतने सारे इसके पीछे की कहानी है, आरोप है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास सारे फाइल्स हैं, फिर 4 घंटे में उसको रीअपॉइंटमेंट करने का मतलब लोगों ने ये बोल रहे हैं कि इसको तो रिवार्ड मिल गया, इसको तो पुरस्कार मिल गया, इसको तो गोल्ड मेडल दे दिया। तो फिर वही सवाल कि इंटेंशन क्या है,
अपराधी को निकाल के उसको कानून के हवाले करना या फिर कुछ छुपाना। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आप एक बार जो सूरत हाल रिपोर्ट अब पढ़ोगे खुद, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है ये अगर आप एक बार देखोगे तो, और कलकत्ता के जितने सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है, सबका ये कहना है कि मानना ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है मैं यही आपसे पूछने वाला था कि ये काम एक ही ने किया होगा, लेकिन जो लोग इस विषय पर एक्सपर्ट है इन लोगों का कहना है कि मानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक ने किया हुआ, ये कांड किसी एक का है। दूसरी बात, ये एक जो है जिस तरीके से इसको मर्डर किया गया, स्ट्रैंगुलेट किया मतलब गला दबाया, स्मॉदरिंग किया मतलब ऐसे कर दिया, इसीलिए ना इनको इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि भाई दोनों आंखों के दो साइड से खून की निशानी है। क्यों होता है ऐसा? कितना जबरदस्त, किसी को स्मॉदरिंग किया नहीं होगा तो ऐसे खून नहीं निकलती है, आंखों से भी खून था चारों तरफ खून था। तो इसीलिए ये डॉक्टर लोगों का जो है कहना है, मानना है, मानना ये है कि हमें ये चीज को देखते हुए लगता है कि ये एक का कांड नहीं है। देखो ये एक का कांड है या अनेक का कांड है ये तो सीबीआई जांच से ही, सीबीआई जांच से ही निकल के आएगी। हो सकता है ये एक का कांड है, उसने कबूल भी कर लिया कि मैंने सिद्ध किया कि ठीक है, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। सीबीआई जांच खत्म होने तक हमें जो है अपेक्षा करना ठीक होगा। दूसरी बात, मरने का जो तरीका है, खत्म करने का जो तरीका है, ये भी जो है बहुत भयानक है। इससे वही डॉक्टर लोगों का ये मानना है कि लग रहा है कि ये केवल एक मर्डर नहीं है, ये एक मैसेज भी है। क्या मैसेज? कि अगर यहां पे जो आरोप जो मैंने पढ़ के सुनाया, अख्तार आली ने जो एफिडेविट दर्ज किया कलकत्ता हाईकोर्ट में, ये सारे चीजें सामने लाऊंगा, पब्लिक कर दूंगा, इसको लेकर के जो है चारों तरफ फैला दूंगा कि भाई यहां पे क्या गंदगी मच गया है। क्या ये बात ऐसी बात है कि ये जो हमारी बेटी की जो मौत हुई है उसको ऐसा कुछ जानकारी मिल गई तो ये सब घिनौने काम जिन लोगों ने मिलके कर रहे थे उन लोगों के लिए ये बेटी खतरा बन गई, और उसकी जो आवाज है और वो आवाज को एकदम पूरे तरह उसको दबाने के लिए ये मर्डर किया गया। मैसेज या मर्डर है, ये मैसेज है कि भाई ये प्रयास अगर कोई करेगा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बैठ के, उसका हालत ये जैसा होगा। मेरा अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि ये डॉक्टर लोग जो बोल रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स लोग जिन लोगों से मेरी बात हुई है सबका ये मानना है कि ये केवल एक ओपन एंड शट सिंपल रेप एंड मर्डर केस नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड क्रिमिनल एक्ट ऑफ कमीशन ऑफ क्रिमिनल जो है एक्ट है। इसमें बड़े से बड़े से बहुत सारे चीजें पहलू, बहुत सारे चीजें इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखो हमें जो है अभी सीबीआई जांच पर भरोसा रखना है। हम देश का नागरिक, हम अभी सीबीआई जांच पर हम सबकी नजर है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच से सच बाहर आएगी और ये बेटी के साथ हुआ क्या ये स्पष्ट होगा। अपराधी एक है अनेक है, सबको पकड़ा जाएगा और कानून के हवाले करा जाएगा, किया जाएगा, और हमारे देश के जो जुडिशियरी है उसको
सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा, यही हम उम्मीद कर सर। एक छोटा सवाल कि जैसे ये मैं अब आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ बंगाल की बात नहीं पूरे देश की, जिस दिन ये हादसा आया 9 अगस्त की रात को, उसके बाद से रेप का ये जो मामला है बहुत तेज़ी से तूल पकड़ा और लगातार पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड में भी एक हमें गैंग रेप का मामला दिखा और लगातार ये मामले दिखते गए, फिर महाराष्ट्र में भी 2 छोटी बच्चियों के साथ ऐसा मामला सामने आया। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या सरकार की पुलिस की कमियां हो रही है या इंसान के तौर पे लोग कम, हम जैसे देखो, लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात आपने कहा उत्कर्ष, मैं यही बताना चाहूँगा। आज सुबह जो है महाराष्ट्र के हमारे साथी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, जैसे अब महाराष्ट्र की जो घटना हुई है उसकी जिक्र किया, बदलापुर में हुआ, थाने से सटा हुआ जगह जहां पे हम देख रहे हैं कि भाई स्कूल के भीतर किंडरगार्टन की 2 बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज की जो है शिकायत होती है। तब जो है हमारे साथी, हमारे न्यूज 18 लोकमत चैनल के जो हमारे साथी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, वो पुणे का रिपोर्ट है, पुणे जिला में उन्होंने रिपोर्ट निकाल करके हमें भेजते हैं और हम देखते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पॉक्सो के तहत जितने सारे केसेस अभी चल रही है, सारे केसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कौन लोगों के है, वो परिवार के लोगों के होते हैं। मतलब बच्ची जिसको जानते हैं, बच्ची जिसको हर रोज देखते हैं, उसी में से किसी ने उसके साथ ये सब जो है बदसलूकी किए हैं। तब पॉक्सो से, पॉक्सो के तहत जो है कार्रवाई हो रही है अभी। तो ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये केवल पुलिस की काम नहीं है, ये आप कानून में बदलाव लाने से कुछ नहीं कर पाओगे। हम सब जानते हैं कि निर्भया कांड के बाद तब जो है हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में बहुत सारा बदलाव लाया गया था और खास करके जो गैंग रेप है, तब जो 376 आईपीसी हुआ करता था उसमें बहुत सारे बदलाव लाया गया, लेकिन क्या बंद हुआ है, ये नहीं बंद हुआ है। तो हमारी सोच, सबकी सोच, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और बेटी को देखने की जो नजर होता है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। भाई वो इंसान है पहले, ठीक है, वो औरत बाद में है, पहले तो इंसान है। ये जब तक हमारे भीतर से नहीं आ रहे हैं, समाज के भीतर से अगर संस्कार नहीं हो रहा है, तब तक मैं नहीं मानता हूं कि सख्त से सख्त सजा दिलवाओ आप, अब फांसी में भी लटका दो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निर्भया कांड में जितने आरोपी है सबको फांसी में लटकाया गया है, फिर भी क्या रहे, बंद हो गया हमारे देश में, नहीं हुआ। तो ये संस्कार जो है एकदम समाज के भीतर से होना चाहिए, जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक आप जैसे मुझे गिना रहे थे कल शाम को कि निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 4, हमने इन रेप केसों को इतनी आसानी ले लिया कि सबका बस नाम कोट कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं, तो हम गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे, कब तक मुझे पता नहीं है भाई।